चोर निकलकर भागा। ये मूवी एक ऐसे कपल की स्टोरी होती है जो चोरी करते हैं। इसमें लड़का लड़की को धोखा देता है, जिसके बाद लड़की अच्छे से इसका बदला निकालती है। मूवी सस्पेंस से भरा हुआ है और ये जरूर आपको पसंद आएगा। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अंकित होता है। वो एक ऐसे एयरप्लेन में बैठा होता है जिसे 3 लोग हाईजैक कर लेते हैं। इसमें वह बहुत मार भी खाता है। अब हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेहा होता है, जो एक एयर होस्टेस होती है। यहाँ उसकी दोस्त उससे अंकित के बारे में पूछती है और सीन फिर 8 महीने फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अंकित और नेहा पहली बार किसी एरोप्लेन में ही मिले थे। यहाँ से इनकी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी एयर होस्टेस से गर्म पानी मांगता है क्योंकि उसे कफ सिरप होता है। इस एरोप्लेन में नेहा अंकित को भी देखती है। उसे देखकर फिर से उसे पास्ट की बातें याद आती है। एक दिन नेहा ने अंकित को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई, जिस बात से अंकित बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो दोनों इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते थे। अगले दिन नेहा और अंकित इस बात का सेलिब्रेट करते हैं। तभी अंकित के लिए कुछ लोगों का कॉल आता है। वो लोग अंकित को बाहर बुलाते हैं और उसे धमकी देते हैं। इस बात से नेहा काफी टेंशन में आ जाती है। वो अंकित से ये बात पूछती है। यहाँ पर अंकित उसे बताता है कि मेरा एक एम्प्लॉयर ने इनके हीरे चुरा लिए और फिर वो फरार हो गया, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझसे हीरो की चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर नेहा उसे बताती है कि मेरे पिताजी अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल करते थे। एक दिन उन लोगों ने एक छोटी सी गलती के कारण मेरे पिताजी को मेरे आंखों के सामने ही मार दिया और अब मैं यह नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ये दिन देखे और मैं एक चोर के साथ नहीं रहना चाहती। अब हमें अंकित के बॉस को दिखाया जाता है जो इंडिया के होम मिनिस्टर से एक हीरो की डील कर रहे हैं। यहाँ पर डील फाइनल भी हो जाती है। यहाँ पर डायमंड को एक सूटकेस में डाला जाता है जिस पर एक कोड लगा हुआ था और उसे इंडिया तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अंकित की बॉस की होती है। यहाँ पर अंकित होम मिनिस्टर के साथ रहने वाले आदमी भगत को भी अपने साथ मिला देता है ताकि वो उसे सूटकेस का कोड बता सके। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अंकित के बॉस ने अंकित को और एक आदमी को हीरे लेकर भेजा है और वह सूटकेस उस आदमी के पास होता है। यहाँ पर अंकित नेहा से बोलता है कि कैसे भी करके उस आदमी को उसकी सीट से उठाओ जिससे कि वह हीरो की चोरी कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकित और नेहा ने मिलकर चोरी करने का प्लान बना ही लिया है। नेहा उस आदमी के कपड़ों पर कुछ गिरा देती है और उसे बाथरूम में भेजने वाली होती है। तभी वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं जो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। तभी एक लड़का उन्हें मारने के लिए जाता है पर वो लोग उसे बहुत मारते हैं। फिर वहाँ सभी लोगों के मोबाइल को इकट्ठा करके अपने पास रख देते हैं और पायलट से कुल्लू एयरपोर्ट ले जाने को बोलते हैं और उनके एक साथी को छोड़ने की मांग करते हैं। होम मिनिस्टर को जब यह बात पता चलती है तो वह भगत को कुल्लू भेज देता है ताकि वह हीरे ला सके। एरोप्लेन में एक छोटा सा बेबी रो रहा होता है। ये देखकर नेहा को पुरानी बातें याद आ जाती है और हमें पता चलता है कि अंकित को धमकी देने वाले उन लोगों ने एक बार उससे हाथापाई की जिसमें एक लात नेहा के पेट पर भी वह मार देते हैं, जिसके बाद उसका बेबी उसी की पेट में मर जाता है। फिर नेहा इस बात से बहुत ही दुखी होती है। तब वह कहती है कि मैं ऐसे नहीं जीऊंगी और अंकित से चोरी करके उनके पैसे वापस देने के लिए कहती है। अंकित बहुत मना बोलता है फिर लास्ट में मान जाता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अंकित अस्थमा का बहाना बनाकर फिर से उस सूटकेस तक पहुंच जाता है और सूटकेस खोलकर डायमंड निकालने वाला होता है। तभी वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है। यहां पर अंकित डायमंड को छुपा देता है पर उस टेररिस्ट को पता चल जाता है कि अंकित बहाना बना रहा है, जिसके कारण वह उसके नाक पर मारता है और उसकी नाक को तोड़ देता है। इसी वजह से उसकी नाक में से बहुत खून आता है। कुछ ही देर बाद अंकित फिर से उस सूटकेस तक पहुंच जाता है और हीरे बदल देता है, पर तभी वह टेररिस्ट उसे देख देता है और उसे बहुत मारता है। यहाँ पर अंकित डायमंड को पैर से मारकर साइड पर छुपा देता है, पर तब तक वह कुल्लू पहुंच जाते हैं। अंकित और टेररिस्ट की हाथापाई में अंकित गोली चला देता है और एक टेररिस्ट को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी दो टेररिस्ट भी वहां पर आ जाते हैं और अंकित को मारने पर लग जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी भी होता है जो अपने आप को फ्लाइट मार्शल बताता है।
टेररिस्टों ने इसे पहले से ही पकड़ कर रखा था। ये अपने हाथ खोलकर एक गन पकड़ लेता है और बाकी बचे दो टेररिस्टों को शूट कर देता है। इसी के साथ हाईजैक खत्म हो जाता है और सभी लोग एरोप्लेन से बाहर निकल जाते हैं। पर मरने से पहले वो टेररिस्ट अंकित के गले में टाइम बम लगाकर गए थे। अब बम डिफ्यूज करने के लिए लोग आते हैं जो उसे डिफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये बम तो नकली था। फिर वो टेररिस्टों की लाश देखते हैं पर उन्हें वह लाशें कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये हाईजैक भी नकली है। तब तक वो टेररिस्ट उन लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। होम मिनिस्टर को पता नहीं था कि यह हाईजैक नकली था, इसीलिए वह मीडिया वालों के सामने मिशन कंप्लीट और तीनों टेररिस्टों को मारने की खबर दे देता है और लंबी लंबी फेंकता है। अब ऑफिसर सारे एंट्री गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई भी पैसेंजर बाहर ना जा सके। पर एक पैसेंजर जो अपने आप को फील्ड मार्शल बताता है, वह आर्मी के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि असली फील्ड मार्शल भानु प्रताप तो बेहोश था। और यहाँ पर अंकित वो डायमंड भगत को दे देता है, पर उन्हें पता चलता है कि ये वाले डायमंड तो नकली हैं। इससे अंकित काफी टेंशन में आ जाता है। नेहा उससे हीरो के बारे में पूछती है तो नेहा पर वह हाथ उठा देता है और उसे बताता है कि मैंने हीरे चुराने के लिए तुझे पटाया था, वरना मैं तुझ जैसी पर तो हाथ भी नहीं लगाता। इसी के साथ वह वहां से चला जाता है। यहां पर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि नेहा को अंकित की असलियत के बारे में पहले से ही पता था। वो हमला भी अंकित ने ही कराया था, जिसके कारण उसने अपना बच्चा खो दिया था। नेहा को इस बात से बहुत बुरा लगा कि अंकित ने उससे प्यार का नाटक किया, इसीलिए उसने अंकित को बर्बाद करने के लिए ये प्लान बनाया। अब ऑफिसर सभी लोगों से पूछताछ करते हैं पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी मिनिस्टर को खबर मिलती है कि जो हीरे हमारे पास हैं वह नकली हैं और हाईजैक भी नकली है। यहाँ पर मिनिस्टर सब कुछ छुपाने को बोलता है ताकि मीडिया में उसकी बेइज्जती ना हो और सरकार को कोई बुरा ना बोले। नेहा भी मिनिस्टर को अंकित और भगत के बारे में बता देती है, जिसके बाद मिनिस्टर का कॉल ऑफिसर के लिए आता है। वह सभी पैसेंजर को छोड़ने के लिए बोलता है और हाईजैक नकली है इसकी खबर मीडिया तक न पहुंचाने के लिए बोलता है और टेररिस्टों को मारने का अवार्ड भानु प्रताप को देने के लिए बोलता है। इसी के साथ सभी पैसेंजर को वहां से छोड़ दिया जाता है। यहां पर नेहा का प्लान भी कंप्लीट हो जाता है और अंत में हमें पता चलता है कि गर्म पानी मांगने वाले आदमी ने वहां टेररिस्टों के लिए गन बनाया था और जिसने सबसे पहले मार खाई थी वह लड़का भी उनसे मिला हुआ था ताकि कोई दोबारा उन पर हमला न करे। और नेहा ने अंकित का फेस इतना बिगाड़ने को बोला था ताकि वह दोबारा से अपना फेस ना देख सके। अंकित वहां तो मार खाता है, बाद में मिनिस्टर भी उसे बहुत मारता है क्योंकि नेहा ने पहले ही उसे अंकित और भगत के बारे में बता दिया था। इसी के साथ नेहा का बदला भी पूरा हो जाता है और मूवी की एंडिंग होती है। आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।